नमस्कार, मैं हूँ भारत और आप देख रहे हैं एशियन भारत का खास कार्यक्रम शख्सियत से रूबरू। आज इस मेहमान से आपका परिचय कराएंगे, उनके जीवन उनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। हालांकि आज का हमारा इस सेगमेंट एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए है जिन्होंने अपनी प्रशासनिक सेवाएं जो है इंदौर के अलावा मध्य प्रदेश की अलग अलग सेवाएं शहरों में दी है। और वर्तमान अगर बात करें तो हमारे साथ जो जोड़ी मौजूद है वो प्रशासनिक सेवाओं के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी हमने उनके स्वरूप देखे हैं। और ख़ास अगर हम बात करें तो इंदौर के महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा जी और तुकोगंज थाना प्रभारी कमलेश शर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो पर आने के लिए। धन्यवाद भरत। सर, वैसे तो जब भी चर्चाएं होती है या अगर हम बात करते हैं ख़ास तौर पर तो पुलिसिंग को लेकर के करते हैं, पुलिसिंग में बदलाव को लेकर के करते हैं, लेकिन आज हम जो शुरुआत करेंगे वो आपके जीवन और व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे कि पहले तो आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई। और ख़ास क्योंकि काफ़ी अफवाहें भी हैं कि सर को काफ़ी काम करना पड़ता है घर में, ऐसा कुछ तो शुरुआत करें मैम, कैसे मुलाकात हुई और ये पूरा सिलसिला जो शुरू हुआ? देखिए 97 में ये जो पुलिस की वो निकली थी और उस समय हम लोगों ने इसको फॉर्म भरा और मेजरमेंट सबसे पहले होता है तो वो मेजरमेंट हुआ, उसके बाद रिटन टेस्ट हुआ। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद एक इंटरव्यू और जो फिजिकल टेस्ट होता है उसकी तैयारी के लिए भोपाल में हम लोग लाल परेड ग्राउंड में वहाँ जाते थे। तो वहाँ मेरा एक आर्मी एयर विंग का मेरा एक कलीग था, उसने मुझे कमलेश के बारे में बताया कि वहाँ आते हैं तैयारी करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो कमलेश ने फिर वहाँ तैयारी करवाई। मैं तो थोड़ा सा मतलब लेट जाती थी, 7 बजे जब मैं जाती थी तो कमलेश की पूरी एक्सरसाइज और सारा सब कुछ हो चुका होता था। फिर भी थोड़े से टिप्स और बताए कमलेश ने मुझे और इसी कारण से मेरा फिजिकल जो है बहुत ख़राब होते हुए भी मेरा उसमें हो गया और इंटरव्यू मेरे काफ़ी अच्छा रहा था। उस हिस्से मेरी मतलब ये समझ लीजिए कि सिलेक्शन हुआ। कमलेश का मेरा दोनों का सिलेक्शन एक ही उससे हुआ और ऐसे ही हमारी इंटरव्यूसी हुई। और मैं बताऊँ कि मेरे फादर नहीं हैं, 91 में उनकी डेथ हुई है। और ये समझ लीजिए कि हम लोग घर में मम्मी के अलावा हम लोग बहने ही हैं और कमलेश का जो रोल है घर में मतलब ये समझ लीजिए कि मुझसे ज़्यादा कंफर्टेबल घर में सभी कमलेश के साथ हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ईश्वर को धन्यवाद कहती हूँ कि कमलेश है मेरे साथ। दामाद के साथ साथ एक पुत्र का जो दायित्व है वो निभा रहे हैं। सर, क्या पहले ही इसमें आपने डिसाइड कर लिया था कि मैडम को पसंद कर लिया है अब अपने को पास तो कराना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा ही है कुछ। जब फिजिकल हम लोग का जो टेस्ट होता है उस दौरान मेरी मुलाकात हुई थी तो मैं सुबह 4 बजे ग्राउंड चले जाता था और 5-5:30 बजे तक मेरा सारा इवेंट में कंप्लीट कर लेता था और वापस 6-7 बजे करीब जब ये लोग आते थे तब मैं इनको ऐसे ही बैठे हुए मिलता था कि मैं तो तैयारी करते ही नहीं हूँ, मैं तो उसी दिन दौड़ूंगा जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन। मैम, कोई ये ऐसा डांट डपट सर आपने कभी की ट्रेनिंग के दौरान की? नहीं, पहले ये डरती थी मुझसे पहले। शादी के बाद आप डरते हैं? हालांकि सभी जो पति होते हैं वो कहीं ना कहीं डरते हैं। सर, घर में क्योंकि प्रशासनिक सेवाओं में दोनों की ड्यूटी अगर हम देखें दायित्व ऐसा है पुलिस का जिसमें हमें 18 घंटे भी देना पड़ सकते हैं और कई बार ऐसा होता है कि घर जाना भी मुश्किल हो जाता, ऐसे में जब बच्चे घर पे होते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी आप दोनों के लिए किस तरह पूरा रहता है? घर पे तो मोस्टली मैडम ही मैनेज करती हैं सारी चीज़ें। बेटी है मेरी तोशी, उसकी पढ़ाई हो, उसको कहीं बाहर जाना हो, कहीं कोचिंग जाना हो, मार्केट से उसकी कुछ ख़रीदारी करना हो, घर पे भी मेरे जो भाइयाँ हैं मेड हैं काम करने वाली, उन सब का मैनेजमेंट सारा मैडम ही देखती है। सर, हम दर्शकों आएंगे, मैडम एक अच्छी पायलट भी है और अभी सोशल मीडिया पे एक आपका लाइसेंस भी वायरल हुआ था, तो सर ये पहले पता था आपको? तो हाँ, मुझे मालूम था, इन्होंने PABT टेस्ट दिया था और प्राइवेट इन्होंने उसकी मेरे ख्याल से 80 आवर्स की इन्होंने फ्लाइंग की है और सेस्ना उन्होंने उड़ाया है। मैम, घर में कभी ऐसा होता है कि सर पे आप जैसे अब ड्यूटी पर हैं, अब हालांकि आप भी उसी प्रशासनिक सेवा में हैं और समस्याएं समझ सकती हैं,
कई ऐसी वाइफ होती हैं जो जिनके हस्बैंड पुलिस सेवाओं में लेकिन वो हाउस वाइफ है, उन्हें काफ़ी समस्याएं आती हैं। ये देखिए, ये सबसे अच्छा है कि हम दोनों सेम प्रोफेशन में हैं, इसके कारण हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं। और हमेशा यही हुआ है कि हमारी पोस्टिंग मोस्टली एक जगह रही है, क्योंकि ये ऑफिशियल भी होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ हों तो एक जगह पोस्टिंग रहती है। लेकिन कुछ समय के लिए मेरी पोस्टिंग 2008 में छतरपुर हो गई थी, वो भी उस समय जब इलेक्शन का टाइम था और चेंजेस नहीं हो सकते थे, और मेरी बिटिया बहुत छोटी थी उस समय, 4-5 साल की थी। तो कमलेश ने ही पूरा सब कुछ मैनेज किया और मैं लगभग 10-11 महीने या साल भर लगभग मैं छतरपुर रही, और उसके बाद मैं वापस आई वापस। लेकिन दोनों के कोऑर्डिनेशन ऐसा है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं और खुश रहते हैं। बहुत छोटी सी फैमिली है, एक बेटी है मेरी, और बस हम तीनों जितना मतलब टाइम होता है उसको हम एक्सप्लोर करते हैं, उसको मजे से निकालते हैं। सर, आपके बारे में सुना, आप अच्छा गाते भी हैं और अच्छा नाचते भी हैं। नाचते तो वैसे ही हैं जैसे सामान्य लोग नाच लेते हैं शादी बारात में। गाना मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक ऐसा माध्यम है, संगीत, जिसके माध्यम से आप अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं। तो मैं खुद ही गा लेता हूँ, खुद ही सुन लेता हूँ। तो आप साथ गाते हैं या अलग अलग गाते हैं? जब कुछ कहीं मैडम का भी दोस्त गाने में रुचि तो जरूर है। हम लोग जब कभी कोई ऐसे फ्रेंड्स के यहाँ पार्टी या कुछ भी होता है तो हम मोस्टली डुएट ही गाते हैं, और वैसे सर अकेले भी गाते हैं, मैं भी गाती हूँ, गुनगुनाती हूँ, मुझे शौक है। वैसे सर ने कहा ना, जैसे म्यूज़िक से आप इंटरनली बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, मतलब किसी भी स्ट्रेस को रिलीज करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है म्यूज़िक। कहते हैं कि जिसमें दया का भाव होता है और कहीं ना कहीं दुख भी होता है, वो गाने को अच्छा समझ सकता है। हालांकि सर, जब कई बार ऐसा भी हुआ होगा आपके इस जीवन काल में कि मैडम काफ़ी दूर, 150 किलोमीटर दूर पर पोस्टिंग है, आपकी कहीं दूर पोस्टिंग है, ऐसे में सर मोबाइल ऐसा माध्यम है कि बात हो ही जाती है एक दूसरे से। और वो छतरपुर का एक इंसिडेंट बताया मैडम ने, यही एक हमारे नौकरी में ऐसा टाइम आया था जब हम लोग अलग अलग जिलों में पदस्थ रहे, बाकी जैसा कि शासन की जो मंशाएँ हैं उसके अनुरूप हम लोगों की मैक्सिमम पोस्टिंग एक साथ ही रही है, और एक ही ज़िले में रहें तो ज़िले में 15-20-25 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है और एक आध दो दिन में आना जाना हो ही जाता है अक्सर। ऐसा कभी लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूरियाँ हुई हो। सर, ऐसी कोई वाक्या या ऐसा कोई आपका इन्वेस्टिगेशन रहा हो जिसमें आप दोनों ने लीड किया हो और सफलता मिली हो? एक नारायणगढ़ में थी मैडम जब थाना प्रभारी और मैं नाहरगढ़ थाना प्रभारी था, तब एक महिला के पैर से कड़े निकाल लिए थे और उसमें काफ़ी मात्रा में उनके पास से जो पैसा और जो नकदी थी वो छून ली थी, और मेरे ख्याल से लूट का अपराध पंजीबद्ध हुआ था और मंदसौर की घटना ही। उस टाइम पर काफ़ी टाइम तक पता किया कहाँ से 8-10 दिन तक कुछ पता नहीं चला कि कौन लोग थे, क्योंकि गाँव था तो वहाँ CCTV कैमरे वगैरह भी नहीं थे। फिर कहीं से ये पता चला कि ये वारदात कंजरों ने की है, तो वहाँ पर कुछ ईश्वर की कृपा और मेरे अधिकारियों की कृपा दृष्टि थी मेरे पर, तो कंजरों में मेरा अच्छा होल्ड था, मेरा वहाँ जाना आना था, तो अक्सर जितने केसेस होते थे वो मेरे माध्यम से ही सॉल्व हो जाते थे। तो मैडम को जब ये मालूम पड़ा कि कंजर लोग मेरी बहुत बात सुनते हैं और मान लेते हैं, तो फिर मैडम ने मुझसे बोला कि आप हमारा ये काम करो और मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो फिर वहाँ पर हम लोग साथ में रहे, 8-10 दिन में वो केस सॉल्व हो गया था, आरोपी भी मिल गए थे और जो सामान गया था वो भी मिल गया था। मैम, ड्यूटी के दौरान कभी ऐसा रहा कि आपने मतलब पत्नी के रूप में कहा हो कि मुझे वो आरोपी चाहिए और आपके थाना क्षेत्र का, ऐसा कभी कुछ? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं रहा, लेकिन जब भी मुझे कभी भी ज़रूरत होती है तो मैं कमलेश से डिस्कस करती हूँ। और कभी कभार ऐसा होता है ना कि कोई इंसिडेंट होता है और अपन शून्य होते हैं, तो मैं मानती हूँ कि कमलेश की पुलिसिंग बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है चाहे कोई मॉब हो या कोई भी चीज़ हो, कमलेश हर एक चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, बात करके सुलझा सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ मुझे असंभव नहीं लगती, तो मैं ज़रूर डिस्कस करती हूँ, वो चीज़ हो जाती है, ईश्वर की ऐसी कृपा है कि चीज़ हो जाती है। वाकई हमने भी हालांकि सर की पुलिसिंग देखी है, काफ़ी सरल सहज मिजाज के हैं, अपराधियों के लिए काफ़ी कठोर है, और भगवान गणेश की कृपा है ये हम देखते आए हैं। लेकिन सर, पुलिसिंग के बारे में अगर हम बात करें तो मैडम एक ऐसा दायित्व निभा रही है जहाँ पर दाम्पत्य जीवन में अब अलग अलग मामले सुनने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तो आज जो कल्चर चेंज हुआ है, छोटी छोटी सी बात पर रिश्ते टूट जाते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं?
इस बारे में मैडम को वाकई में बेहतर एक्सपीरियंस है क्योंकि 5-6 साल महिला थाने पर हैं अभी लगातार। तो छोटी छोटी चीज़ें कई बार हम लोग आपस में बात भी करते हैं कि आजकल जो नए युवा दंपत्ति हैं वो व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसकी बातों पर झगड़े होकर थाने पर रिपोर्ट करने की नौबत और यहाँ तक कि उनके बीच में संबंध विच्छेद करने की नौबत आ जाती है। और ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। आप जब किसी के साथ जुड़े हो तो आपका विश्वास भी उससे जुड़ा होता है और आपका परिवार भी उससे जुड़ा होता है। पता नहीं धीरे धीरे कैसे ये सोसाइटी में डिटोरियोरेशन आ रहा है कि लोग छोटी छोटी बातों को लेकर थाने पहुंच जाते हैं, फिर पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ता है, कई मसले हल हो जाते हैं, कई मसले तूल पकड़ जाते हैं और फिर लोगों के संबंध विच्छेद हो जाते हैं और घर बिगड़ते हैं उससे और परिवार भी ख़राब होता है। मैम अब वैसे तो आपने काफ़ी अब गहराई से देखा है और लोगों को समझा है, खासकर महिलाओं की उस परेशानियों को समझा है कि आखिर क्यों इस तरह की हम कहेंगे कि सामना होता है कि शायद एक परिवार टूट जाता है। हमने देखा कि कई परिवारों को आपने जोड़ने की भी कोशिश की। मैंने जहाँ तक देखा है, मुझे मैं 2014 से हूँ, बीच में कुछ समय मैं नहीं रही हूँ, लेकिन अभी फिर से मैंने देखा है बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, छोटे कारण होते हैं जो सेपरेशन का बड़ा कारण बन जाते हैं। एक दूसरे को बहुत अच्छे से नहीं सुनना, विश्वास नहीं होना, ये कहेंगे कि सहन शक्ति नहीं होना, जो आजकल बहुत ज़्यादा है। जैसे हम जहाँ पैदा होते हैं, मायके में एक महिला है, उसकी माँ है, अगर वो कुछ बोलती है उसको इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब वो शादी होकर जाती है ससुराल में, अगर सास कुछ बोलती है तो उसको तुरंत बुरा लगता है। तो ये समझ का फेर है कि हम अपनी माँ को तो माँ समझ रहे हैं, लेकिन हम जिस घर में जा रहे हैं उसको नहीं समझ रहे। फिर वहाँ पर यह है कि वो जो सास है वो उसको बेटी नहीं समझ पाती। ये जो कहीं छोटा छोटा सा समझ का फेर है ना, ये एक दिन बहुत बड़ा रूप ले लेता है। तो कुछ मेजर कारण तो मुझे ये समझ में आए हैं, और आजकल जो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा एंटर हो रहा है, कुछ कारण अभी जो निकल के आ रहे हैं मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत बड़ा रीज़न ये भी हो सकते हैं, वो भी बहुत बड़े कारण। सर, ये टेक्नोलॉजी ने जिस तरह हमारे साथ जीवन में आज ज़रूरत बन चुकी है, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, कंप्यूटर, तमाम संसाधन हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हैं। मैम ऐसा कुछ जो हम जानेंगे दर्शकों को भी कि इतने समय हो गया आपके दाम्पत्य जीवन को और पुलिसिंग को लेकर के खास तौर पर, तो ऐसी तीन चीज़ जो सर को मैं आपको अच्छी लगती है और सर उस चीज़ को पसंद करते हैं कि हाँ वाकई। देखिए सबसे पहले तो पहली बात यह है कि सर बहुत सरल है, मतलब दिखने में शायद बहुत स्ट्रिक्ट दिखते हैं लेकिन ऐसे नहीं है, बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत इमोशनल हैं। यदि कभी गुस्सा जैसे मुझे कभी किसी बात पे आता है तो सर बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, और कभी अगर सर को आता है तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलती, मैं नॉर्मल रहती हूँ, क्योंकि उस 5 मिनट के बाद ना जब सब गुस्सा शांत हो जाता है ना तो फिर हम दोनों एक हो जाते हैं, और हमारी सबसे बड़ी वो चीज़ है जो हम दोनों ने आपस में डिसाइड करके रखी है, चाहे कोई भी बात हो, ईश्वर की कृपा से कभी हमारा ऐसे कोई झगड़ा हुआ नहीं बड़ा। अगर कभी छोटी मोटी किसी बात पे कुछ हुआ भी है तो हम लोग बात करना नहीं छोड़ते, कम्युनिकेशन गैप हम कभी भी नहीं करते। उसके कारण क्या होता है कि जब जैसे 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। और मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे अगर सर ने मुझे कुछ कह भी दिया फिर 5-10 मिनट बाद जैसे अगर सर निकल गए तो मैसेज कर देंगे कि यार सुनो ऐसा हो गया, तो वो चीज़ हमारा एक दूसरे पे जो फेथ है ना वो शायद हमारी रिलेशनशिप को बहुत मजबूत करता है। मुझे लगता है कि सुनना चाहिए एक दूसरे को, और यदि कोई गुस्सा हो रहा है तो दूसरा शांत हो जाए, चला जाए, मामला बढ़ेगा ही नहीं। तो ये सुखी जीवन के नए टिप्स हैं जो मैडम ने बताए। हालांकि सभी जो पति होते हैं वो गुस्से के बाद में शांति रहते हैं, सर आपका क्या मानना? बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम। हम लोग का पहले से ही जैसे शुरू में हम लोग जब मिले थे तभी बातचीत होती थी, तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि झगड़ा कितना ही बड़ा हो जाए, कारण कुछ भी हो, लेकिन बातचीत करना बंद नहीं करना, और जहाँ बातचीत होती रहती है वहाँ फिर ये चीज़ें ज़्यादा गैप हो नहीं पाता है और समस्याएँ हल हो जाती। तो ये तो वाकई ही कि हर मसले जो है वो बातचीत से हल हो जाते हैं। सर पुलिसिंग को कैसे देखते हैं? अब तो कमिश्नरी प्रणाली भी लागू हो चुकी है इंदौर में, बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन हम लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा भार भी है, हम लोग का दायित्व भी बढ़ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि जनता की अपेक्षाएँ कमिश्नरी लागू होते हम लोगों से ज़्यादा बढ़ गई है। अब हमको छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ता है, थाने पर जो फरियादी आते हैं उनकी छोटी छोटी बातों को, क्योंकि अब उनकी अपेक्षाएं ज़्यादा हो गई हैं। हमारे साथ जो सिस्टम की कमियां हैं, अभी फोर्स उतना नहीं है, पावर्स उतने आए नहीं हैं,
लेकिन हमको इतने कम में भी ज़्यादा परफॉर्मेंस बेहतर अच्छे तरीके से करके देना है, तो हमारे अधिकारी भी लगातार हम सब लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लगातार अब हमारे स्टाफ से आके सतत संपर्क करते हैं, रोल कॉल में आते हैं, बातचीत करते हैं और सबको बता रहे हैं कि अब अपना दायित्व तो और ज़्यादा हो गया है और अपने को इसको एज ए चैलेंज लेना है कि अपने को मौका मिला है तो अपने को इसको प्रूव करके दिखाना है कि हम लोग और बेहतर कर सकते हैं, ताकि ये सिस्टम दूसरे शहरों में भी लागू हो और इंदौर की जनता सुरक्षित और अच्छे तरीके से रह पाए। सर, अगर हम बात करें तो आपके जीवन काल का एक ऐसा कोई सुनहरा पल जो आप दोनों को हमेशा याद हो और वो हमेशा एक टॉपिक बनता हो चर्चाओं का, आपके सर्कल में हो? फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब बालाघाट पदस्थ रहे हम लोग, तो वो 2.5 साल हमारे जीवन का बहुत अच्छा टाइम था, क्योंकि वहाँ पर बाकी सारी ड्यूटियाँ कम थी, वहाँ पर नक्सल एरिया था और मेरी जिस थाने में पोस्टिंग थी वहाँ पर उस थाना क्षेत्र के जो पहले थाना प्रभारी थे मुझसे पहले वाले और वहाँ पर एक एडिशनल एसपी थे, उन दोनों की उसी थाना क्षेत्र में एनकाउंटर में डेथ हुई थी वहाँ पर, तो नक्सल लिहाज से सेंसिटिव थाना था और मैडम और हम लोग दोनों वहीं रहते थे थाने पर, उस टाइम पर मेरी बेटी भी वहीं पर हुई थी, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक तो बहुत पीसफुल था और क्लाइमेट बहुत अच्छा था और हम दोनों को काफ़ी टाइम मिल जाता था एक दूसरे के साथ समय गुजारने का, तो वो एक बालाघाट का टेन्योर है 2.5 साल का जो हमेशा याद रहता है। कभी ऐसा हुआ कि सर आपने कोई पसंदीदा चीज़ है, शायद आप कुकिंग वगैरह करें तो मैडम को? कभी मैडम को पता है मुझे मक्का की रोटी और सरसों की साग और दाल तुअर की और दाल बाटी, ये मेरा फेवरेट फूड है और मैडम ध्यान रखती हैं, दो तीन दिन में एक आध दिन ठंड के टाइम में तो मेरे लिए मक्का की या बाजरे की ज्वार की रोटी बनी जाती है। मैम आप इसके अलावा मैडम को जो पसंद है ये तो आपकी पसंद होगी। मैडम को खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से दिन में तो ये थाने पे ही लंच लेके जाती हैं और थाने पे ही खा लेती हैं और सुबह मेरे साथ खाली ब्रेकफास्ट करती हैं और शाम का खाना खाती नहीं है, ये खाती हैं तो बहुत ही रेयर, कभी हम लोग को कहीं जाना हुआ तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हैं। कोई ऐसी एक्टिविटी जो पसंद है आपको कि मैडम की? गाती बहुत अच्छा है, दूसरा इनका पेशेंस बहुत अद्भुत है, मतलब जिस तरीके से कभी महिला थाने पर मेरा जाने का काम पड़ता है तो वहाँ पर क्या होता है कि पुरुष जो रहता है उसके साथ भी उसकी फैमिली के 3-4 लोग, महिला जो रहती है उसके साथ भी उसकी फैमिली के 3-4 लोग, अब 6-7-8 लोग आकर एक साथ अपनी बातें सुनाते हैं और मैडम बहुत पेशेंसली उनको हैंडल कर लेती हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये इनके अंदर एक दुर्लभ गुण है इनके अंदर। मैम गात गुनगुनाना की हुई है तो शायद सर के लिए कोई गाना आप गुनगुनाते होंगे शायद, अगर आप? हाँ, मेरा फेवरेट सॉन्ग है जो सर के लिए ही है। तो एक डेडिकेट आप सर के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल कर देती हूँ। मुझे बहुत पुरानी मूवी है घर, उसका नाम है और रेखा का सॉन्ग है तेरे बिना जिया जाए ना, मेरा फेवरेट सॉन्ग है और सब कुछ सर को ही डेडिकेटेड है। तो मैम अगर 2 लाइन अगर गुनगुना दें आप तो? तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांस में साना, तेरे बिना जिया जाए ना। वाकई मैम आप सर एक, हालांकि अब तो अपराध और अपराध की श्रेणियां बदल गई है, आप जिस समय शुरुआत हुई थी पुलिसिंग की तब एक घटनाएं जो होती थी या फिर जिस तरह का क्राइम था उसकी एक अलग, अगर हम बात करें तो एक अलग तरीका था, आज सबसे ज़्यादा सर फ्रॉड अगर हम देखते आ रहे हैं तो सोशल नेटवर्क जो एक खास बना है उसमें फ्रॉड का जो सिस्टम है, ऑनलाइन फ्रॉड जो सामने आया, इसे कैसे देख रहे हैं? सबसे ज़्यादा आजकल फ्रॉड ही हो रहा है और मेरे थाने में मैक्सिमम कंप्लेंट इसी टाइप की आती है, मुझे ये समझ नहीं आता लोग या तो इतने भोले हैं या इतने सीधे हैं, हम किसी न किसी लालच के कारण या डर के कारण, दो ही चीज़ें ऐसी हैं जो हमको प्रभावित करती है, या तो सामने वाला हमको लालच देता है कि हम आपको जॉब लगा रहे हैं, आपको एक ईमेल आ जाता है, आपके मोबाइल पे एक आ जाता है, लिंक आ जाता है, आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं, आप गूगल पे जाके किसी साइट पे कोई नंबर खोजते हैं कि भाई पेटीएम में मुझे प्रॉब्लम हुई है, वहाँ पर लोग फर्जी नंबर डाल देते हैं, आप उस नंबर पे बात करते हैं, थोड़ी देर बाद आपको दूसरे नंबर से फ़ोन आता है, वो आपको उसी ऐप को अनइंस्टॉल कराता है, फिर नई ऐप इंस्टॉल कराता है, आपके मोबाइल में घुस जाता है और फिर आपका पूरा मोबाइल कैप्चर कर लेता है, आप उसमें जो भी पासवर्ड डालते हैं जो भी पिन डालते हैं वो उस तक पहुँच जाते हैं, आपका अकाउंट खाली कर देता है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि
इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और हमको इतना लेजी भी नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी बैंक से संबंध रखते हैं तो हमको उस बैंक में जाके अप्रोच करना चाहिए जो ज़्यादा बेहतर माध्यम है, या हम किसी को पैसा ऐसे माध्यम से दे रहे हैं तो हमको 2-3 बार वेरीफाई करने के बाद ही उसको देना चाहिए। मेरे पास भी कई ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं, अभी कई लोग जो समझदार हैं वो मुझसे पूछ लेते हैं फ़ोन करके कि सर हमारे पास इसी एड्रेस पर फलानी जगह से बता रहे हैं कि उनकी शॉप है और फ्रेंचाइजी है और वहाँ पर वो इतना पैसा मांग रहे हैं, तो मैं अपने बीट वालों के माध्यम से, या अगर मुझे अब चूंकि 1.25 साल इस थाने पर हो गया तो मुझे ही पता है कि वहाँ पर ऐसा ऑफिस है कि नहीं है, तो मैं उनको मना कर देता हूँ कि आपके साथ कोई चीट कर रहा है, आप मत करिए ऐसा। तो कई सारे लोग बच जाते हैं, पर कई सारे लोग जो भावुक हैं, इमोशनल है, आसानी से जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, वो लोग पैसा डाल देते हैं और फिर ठगी का शिकार होते हैं। बाकी लालच और अज्ञानता, ये दो ऐसे कारण हैं जिसके कारण आप शिकार बनते हैं। ये सवाल मेरा आप दोनों से है कि आपके दाम्पत्य जीवन काफ़ी सुखमय है और ऐसा ही बना रहे, ईश्वर से कामना है, लेकिन आज की जो नई युवा पीढ़ी है वो करना बहुत कुछ चाहती है लेकिन कॉम्पिटिशन इतना है। आपके समय में और आज के समय में काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे खासतौर? देखिए, मैं तो महिला थाने में हूँ अभी, तो हम लोग समय समय पे कैंपेन चलाते हैं, क्योंकि हम अहिल्या की नगरी में हैं तो हम कैंपेन का नाम भी हमारा अहिल्या है। हम इसमें वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बताते हैं कि अगर बच्चियां हैं तो उन्हें किन परिस्थितियों में क्या स्टेप लेना है, यदि उनके साथ इस तरह का अपराध हुआ है तो उन्हें किस एजेंसी को उन्हें अप्रोच करना है, उन्हें कौन से नंबर को अप्रोच करना है, ये सारी चीज़ें मैं बताती हूँ। बस साथ ही मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देकर सिर्फ ये बात कहती हूँ कि कोई भी परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति हो, आप सिर्फ अपना धैर्य ना खोएं, आप उस परिस्थितियों से सून एज निकल जाएंगे। तो मैं यही उन्हें भी मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपना धैर्य बिल्कुल ना खोएं, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो आप ज़रूर से उन परिस्थितियों से निकल जाएंगे। सर आप कैसे देख रहे हैं नई युवा पीढ़ी को लेकर के, खासतौर पर एक बड़ा चैलेंज है कि कोई भी समस्या है ना, इंसान ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, अपने आप को अंदर से टटोलेंगे, अपने दोस्त यारों को ढूंढेंगे, कोई ना कोई आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बाकी हालांकि पहले कहा जाता था कि जिस घर में बड़े बुजुर्ग है वो काफ़ी जो है मददगार होते हैं और एक राह दिखाते हैं चलने के, लेकिन आज का समय कुछ मैम कुछ ऐसे भी आपके पास आती होंगे जो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, वो बुजुर्ग दंपत्ति आते हैं, सर आपके पास में भी ऐसे लोग आए होंगे? आते हैं कई सारे लोग अब जो अपने माता पिता को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों पर तात्कालिक रूप से गुस्सा भी बहुत आता है, कई सारे लोगों को बंद करके भेजा भी है। अब कुछ लोग रहते हैं, सबकी मानसिकता एक जैसी नहीं हो सकती, जैसे पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं है, अब ऐसे लोगों को समझाया ही जा सकता है क्योंकि वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, तो कोशिश करते हैं कि समझ जाएँ और दोबारा ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित नहीं हों। वाकई सर एक आपने बड़ा ही हम कहेंगे कि एक ऐसा दायित्व आप निभा रहे हैं जहाँ पर मैडम ने बताया कि जैसे पहले भी एक दामाद से ज़्यादा एक बेटे का एक बड़ा दायित्व होता है और काफ़ी खुश भी हैं आपसे, लेकिन सर कहीं ऐसा लगता है कि जो आज के कल्चर को लेकर के आज जो छोटी छोटी घटनाओं पर ऐसी विकृत स्थितियाँ हो जाती है जिसमें हत्याएँ जैसी मामले सामने आ रहे हैं, कई बार ऐसी ही घटनाएं देखने को मिल रही है। हत्या तो एक मेरे ख्याल से रश ऑफ द ब्लड है जो तात्कालिक रूप से घटित होती है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेशेंस की कमी है या आदमी बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाता है और तुरंत निर्णय ले लेता है, तो यही वो परिस्थितियां अगर इंसान अपने आप पर थोड़ा सा नियंत्रण रख ले और दोबारा किसी चीज़ को सोच ले तो मेरे को लगता है कि ये समस्याएँ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। कहते भी हैं कि आप कुछ कर रहे हो तो एक बार सेकंड थॉट जरूर आपको देना चाहिए उस चीज़ को, तो अगर ये इंसान करने लग जाए तो बहुत सारी परिस्थितियां हल हो जाएंगी। सर ये अगर हम देखते हैं तो दो पेंडेमिक हमने समय देखा है, कोरोना काल का, और तीसरी लहर की उम्मीद है कि शायद ना आए तो काफ़ी अच्छा होगा। सर अभी पॉजिटिव रिपोर्ट सर की आई थी मैम, उस समय क्या हालात थे आप थोड़ा सा, क्योंकि स्थितियाँ ऐसी थी सर? सी एस साहब की ड्यूटी हुई और हम दोनों ड्यूटी में थे, उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे हम लोग अमरीश को थोड़ा सा फीवर आया और अमरीश ने कहा कि मैं टेस्ट करा लेता हूँ, अमरीश गए, अमरीश ने टेस्ट कराया, पॉजिटिव आया, तुम लोग भी आ जाओ, तो हम लोग गए, मैं, मेरी बेटी और हमारे और एक दो लोग, तो हम सभी गए, तो हमारी सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आया। अब आप सोचिए उस बीच में मेरी बेटी कमलेश तो यहाँ से सीधे बॉम्बे हॉस्पिटल चले गए, तो जिनकी बेटी है और प्रॉब्लम भी हो रही थी, मैं और तोशी घर गए, इसी बीच में मेरी बिटिया को बहुत सीवियर पेन हुआ, एब्डोमिन पेन,
अब हम उस समय बिल्कुल हम भूल गए कि हम पॉजिटिव हैं या हमारा, क्योंकि विदाउट टेस्ट कराए तो हम लोग बॉम्बे हॉस्पिटल गए, उसको इतना सीवियर पेन था कि और मैं अकेली थी तो मैं उसको तुरंत लेके गई, डॉक्टर ने दो इंजेक्शन लगाया, हम लोग घर आ गए वापस। फिर से उसको रात में 7-7:30 बजे करीब फिर पेन हुआ, फिर हम गए वहाँ पर, हमें बताया कि हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो मैंने डॉक्टर को बोला, मैंने कहा डॉक्टर ऐसा ऐसा है, उन्होंने कहा अरे मैडम, मैंने कहा डॉक्टर आप मेरी परिस्थिति को समझिए, ये है। मैं तुरंत वहाँ से मैंने कहा सॉरी हम लोग को नहीं इतना आइडिया था। फिर हम लोग बाहर गए, तोशी को भी एडमिट करना पड़ा। तो तोशी और कमलेश मतलब सर दोनों बॉम्बे हॉस्पिटल थे, मैं घर पर थी, अब आप परिस्थितियों का समझ लीजिए, लेकिन ठीक है, ईश्वर है, सब कुछ 3-4 दिन 5 दिन में सब नॉर्मल हो गया और लोग भी ठीक हुए। लेकिन वो 4-5 दिन 5वें दिन बिटिया घर आई थी मेरी, वो 5 दिन बहुत ही क्रूशियल थे सर। वो आपको भी काफ़ी हिम्मत बिटिया ने दी होगी और आप भी बिटिया को, ऐसा पल था वो उस टाइम पर। लगातार हम पुलिस वाले जो संक्रमित हुए थे, उससे पहले हमारे CSP परियार साथ थे, उनसे पहले विनोद दीक्षित साथ थे, हम लोग सब एक ही रूम में रहे थे वहाँ पे। मुन्ने खाली किया तो परियार साहब ने ऑक्यूपाई किया, परियार साहब ने खाली किया तो मैंने ऑक्यूपाई किया जी। तो बीच में ऐसा हुआ कि मेरे को ट्विन शेयरिंग में रहना पड़ा और बेटी सामने सिंगल वाले में थी, तो मैं बार बार सिस्टर को बोलता था कि वो मेरी बेटी को बुला दीजिए दरवाजे पे, तो वो बुला लेते थे उसको। तो उस टाइम पे तो कोविड का बहुत ज़्यादा भय था कि मतलब दोनों पॉजिटिव थे फिर भी दोनों एक दूसरे के पास भी नहीं जाते थे। तो उस टाइम मेरी बेटी मुझे बार बार बोलती क्या पापा आप मुझे बार बार दरवाजे पे यहाँ बुला लेते हो, आप उधर खिड़की से नीचे देखा करो ना, सब ठीक ठाक है, बोले किसी को कुछ नहीं हो रहा है। ये पल था बिटिया ने जो आपको हिम्मत दी। बहुत स्ट्रांग है तोशी, मतलब ये समझ लीजिए कि एक्सेप्शनल बिटिया है वो, उसकी कोई डिमांड नहीं कोई नहीं, और बहुत मतलब अपने आप से बहुत कुछ करती है, कहीं भी देख लेती है जहाँ ज़रूरतमंद है तो वो वहाँ खुद से करने लगती है, तो उसको ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कुछ कहा हो, खुद से सारी चीज़ें करती है। सबसे ज़्यादा हालांकि सुना है कि बिटिया जो होता है उनका सबसे ज़्यादा मोह पिता के ऊपर होता है। हाँ। तो घर जाने के बाद भी वो इंतज़ार है ही, खैर वो तो है ही, मुझे दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा लगता है, दोनों साथ में रहते हैं तो मुझे वाकई मतलब एक जो कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो मेरा रहता है। सर वैसे तो आजकल जो बच्चे हैं वो अपना एक सीनियरिटी बना लेते हैं कि वो हमें क्या करना आगे, आप कैसे देखते हैं जब बेटी को अप्रिशिएट करना होता है कि आप तैयारी तो नहीं। बेटी मेरी मतलब हम मैंने कभी उसके निर्णय पर इंटरफेरेंस नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है कि बेटियों को खुला आसमान देना चाहिए, उनको उड़ने देना चाहिए और वो बहुत बेहतर करती हैं। और ऐसे ही मेरी बेटी है, उसने अभी BA LLB के लिए तैयारी करी थी, उसने मुझे कहा था कि मेरा फला फला जगह एडमिशन हो जाएगा क्लैट के लिए, तो पहले उसने बोला था कि OP जिंदल, तो उसको OP जिंदल में भी उसने क्लियर कर लिया था, फिर उसके बाद में उसको नारसिमुझी जाना था और ईश्वर की कृपा रही वो नारसिमुझी भी उसने क्लियर कर लिया और वहाँ उसका हो भी गया। तो मुझे लगता है कि मैंने उसको फ्रीडम दी है तो उसने अपने आप को प्रूव भी किया है। तो वाकई ही हालांकि बेटियों को लेकर के तो शब्द ख़त्म हो गए हैं कि आजकल की जो बेटियाँ हैं वो देश और दुनिया में अपना नाम हासिल कर रहे हैं। मैडम खुद एक हमारे सामने एक तस्वीर है कि जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया और आज शासकीय सेवा में, जहां हम कहते हैं कि देशभक्ति और जनसेवा का जो भाव लेकर के शुरुआत की गई, कई ऐसे सामाजिक कार्य हैं जो किए गए हैं, दोनों ही दाम्पत्य जीवन में हम बधाई देते हैं आपको दोनों को कि जो शुरुआत हुई और आज लोगों के बीच में आप हैं। सर एक अंतिम और लास्ट आप दोनों से सवाल है, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं या नई युवा पीढ़ी को कि आज के जो हालात को लेकर के? बीइंग अ फैमिली, यदि हमें वर्दी के अलावा अगर देखा जाए तो मैं घर परिवार के लिए ये कहना चाहूँगी कि आपसी सामंजस्य बनाए रखें, एक दूसरे की बात को सुने, कभी यदि छोटे मोटे कोई विवाद होता है तो भी आपस में बात करें, कम्युनिकेशन गैप ना करें, मुझे नहीं लगता कि कभी कोई प्रॉब्लम होगी। और यूनिफॉर्म के बाद मैं जो आजकल की हमारी जनरेशन है मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखो, सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, आप जो भी अपलोड कर रहे हो जो भी कर रहे हो, मैरिज और डिमैरिज दोनों हैं, आप थोड़ा सा सोच के करो, बिना सोचे समझे आप प्लीज़ कुछ मत करो और विकट परिस्थितियों में अपने धैर्य को बिल्कुल मत। बाकी सर आप कुछ ऐसा
आप बोलना चाहें दर्शकों? देखिए, आपका जन्म कहाँ होगा, आपकी किससे शादी होगी, आपके मामा कौन होंगे, आपके चाचा कौन होंगे, ये ईश्वर डिसाइड करता है। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि आपका दोस्त कौन होगा, ये आपको चयन करना है। और आपको कर्मयोगी होना चाहिए, अपने कर्म अच्छे करना चाहिए, अच्छे दोस्तों का चयन करिए, अच्छे लोगों के साथ रखिए। जब भी आपका टफ टाइम आता है तो जो आपके अच्छे और नज़दीकी दोस्त रहते हैं वही आपके काम आते हैं। और जहाँ तक सोशल मीडिया और आज की परिस्थितियों का सवाल है, तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य रखें और किसी भी चीज़ को थोड़ा सा सोच समझ के करें, तो इतना कठिन दौर भी नहीं है जैसा बताया जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा संभल के चलेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप ठोकर खा के संभलें, आप दूसरे को देखकर भी संभल सकते हैं। ये वाकई ही ये कहना सही होगा कि हम ठोकर के अलावा देखकर भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। भले ही संसार में बदलाव हम लगातार देखते आ रहे हों, संसाधन हों, चाहे फिर घर परिवार, आप टफ मेहनत कर रहे हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज जो आपने आपकी जीवन काल की जो बातें थी वो हमारे साथ शेयर की और दर्शकों तक ये जब जाएगी तो उनके भी दाम्पत्य जीवन में जो सुखी वो रह सकते हैं वो सीख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो पर आने। तो बने रहिए ऐसे ही एक खास कार्यक्रम और खास मेहमानों के साथ। नमस्कार, शुक्रिया।